नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से, जहां बहराइच में शुरू हुआ AIMIM का पूर्वांचल कार्यालय। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया उद्घाटन। आइए डालते हैं बहराइच ब्यूरो शाहिद सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नदी के किनारे लाशों को कुत्ते लोच कर खा रहे थे, लोगों आवाम को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा था। आज जो बेवा हमारी बहनें बेवा हो चुकी है, वो बड़ी उम्मीद के साथ ओम प्रकाश राजभर के भारतीय संकल्प मोर्चा की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का मुकाबला होगा तो उन बेवाओं से होगा जिसकी हुकूमत ने उनको बेवा बना दिया कोविड के सेकेंड वेव में। उन बच्चों से होगा जो यतीम हो गए, जो बीजेपी की सरकार ने उनके माँ बाप को बचाने का काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिनको इस हुकूमत ने यतीम बना दिया। उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी का मुकाबला होगा उन नौजवानों के साथ जिनको 4.5 साल में बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज बीजेपी का मुकाबला इन तमाम लोगों से होगा। ये मीडिया ये चाहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत को सामने रखकर योगी का मुकाबला किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी एक शख्स का नाम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की जबान उन बेवाओं के लिए इंसाफ के लिए उठा, उन बच्चों को जिनको यतीम बना दिया गया उन यतीमों के इंसाफ के लिए उठाई और उठती रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी की आवाज एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि उनके युवा नौजवानों के ख्वाबों को उनकी उम्मीदों को पूरा करने का नाम बनने से जहाजों को सभी है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और मजलिस का साथ दीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आकर मुझसे कह रहे कि मजलिस को डिवाइड करती है, बताओ मैं 2014-19 का पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं ला, तुम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके तो ना।